मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं मेरी काशी। एक माँ बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है, ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनेला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारस ही बना दे ले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं, काशीवासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है, काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वच्छ निर्मल अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है। आज काशी बिना रुके बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना। काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था, अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की संकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं।
मंदिर परिसर जो केवल 3,000 वर्ग फीट में था आज 5,00,000 वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62,00,000 के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूँ उतना ही भावुक होता हूँ। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी। ये है मोदी की गारंटी। हर हर।